हेलो बच्चो लेट सी द्वेश्चन द क्वेश्चन सेवेंटी सेवन कैन बी सीन एज अ रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ ब्रूटोन वुड ट्विंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद फाइव क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बच्चों जी सेवेंटी सेवन को ब्रूटोन वुड ट्विंस की गतिविधियों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है इस कथन को पांच तर्कों के साथ स्पष्ट कीजिए की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज जी सेवेंटी ग्रुप ऑफ सेवेंटी सेवन जी सेवेंटी सेवन लूज अलायंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एस्टेब्लिश ऑन जून 15, 19, 77 का 77 15 1964 का समूह था था। बच्चों जो वो जून को स्थापित विकासशील देशों एक ढीला गठबंधन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक वर डोमिनेटेड बाय द फॉर्मर कोलोनियल पावर्स एज अ रिजल्ट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ दैट द वेस्टर्न इकोनॉमिक एक्सपीरियस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बचो ये ब्रूटोन वुड ट्विंस ने इंटरनेशनल मोनिट्री फंड और विश्व बैंक पर एक पूर्व औपनिवेश शक्तियों का वर्चस्व था जिसके कारण जो परिणाम स्वरूप अधिकांश विकासशील देशों को तेज विकास से लाभ नहीं हुआ जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने 1950 और 1960 के दशक में अनुभव किया इसलिए उन्होंने खुद का एक समूह के रूप में संगठित किया जिसे G77 के या 77 के समूह ने एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मान की थीनियल पावर्स एक्सप्लोटेड द नेचुरल रिसोर्स फॉर डेवलपिंग नेशन थ्रू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों ने क्या किया जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक के माध्यम से विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया द डेवलपिंग नेशन ऑर्गेनाइज इंटू जी सेवेंटी सेवन सो एज टू गेन रियल कंट्रोल ओवर दैन नेचुरल रिसोर्स उन्होंने क्या किया जो प्राकृतिक संसाधनों आरोप वास्तविक नियंत्रण हासिल करने के लिए विकासशील राष्ट्रों ने खुद को जी सेवेंटी सेवन में संगठित की दे वॉन्टेड टू गेट मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड फेयर प्राइस टू रो मटेरियल कच्चे माल के लिए अधिक विकास सहायता और उचित मूल्य प्राप्त करना चाहते थे दे ऑल्सो वॉन्टेड अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर देअर मैन्युफेक्चर गुड इन द मार्केट ऑफ डेवलपड नेशन वे विकसित देशों के बाजारों में अपने निर्मित माल के लिए एक बेहतर अवसर भी चाहते थे होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक